मैं आज ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा आपकी बेवफाई की, और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहूँगा कि आपने दिल्ली में कहा था 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हम कॉम्पनसेशन देंगे और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो भैया बहुत बड़ी बात है, अब 20 से 50% झाड़ घटा है यहाँ गेहूँ का, दीजिए ये कॉम्पनसेशन। कई लोगों की तो फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, दीजिए कॉम्पनसेशन। करीब करीब 500 रुपया मिनिमम कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। आप लिखिए चिट्ठी, 250 आप डालिए, 250 सेंटर की सरकार डाले, और ये 500 रुपया कॉम्पनसेशन हर किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यही कनक जो यहाँ गेहूँ 2000 का आप MSP उठा रहे हो, सिर्फ 40 रुपये पर साल बढ़ा है ये। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मिलेगा, और अगर उनसे ऊपर भी आया बिल तो 600 यूनिट माफ होके बिजली का बिल आएगा। अब साहब पलट गए हैं, पलटू मियाँ उन ऐसे करके घूम रहे हैं। देखिए आप हमारे पंजाबी में कहते हैं कोड़ किला भी इतनी छेती रंग नहीं बदलता जितनी छेती केजरीवाल साहब बदल दे, इनको आराध्य देव बनाना चाहिए उसे। अब ये स्टेटमेंट आई है इनकी जो कि बहुत बड़ा धोखा है पंजाब के साथ, कि जी जब 600 यूनिट के ऊपर बिल आएगा जनरल कैटेगरी में, अगर एक रुपया भी ऊपर बिल आया तो फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या है? पले नहीं तेला कर दी मेला मेला, फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको पहले नहीं पता था, अब जब यहाँ पंजाब में इलेक्शन जीत रही है तो पंजाब का तो इनको इतना ज़्यादा वो नहीं, दिल्ली वाले तो पंजाब को एक लॉन्चिंग पैड सोचते हैं कि यहाँ टांग लगाई और ठाएं करके हिमाचल प्रदेश और गुजरात पहुँच गए भाई, समझे नहीं। तो अब इनको बिजली की सूझी है, वो भी जुलाई में, हम जी 300 यूनिट का जो वायदा था वो पूरा करेंगे।